أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

सरदार इस्लाम शहीद कासिम सलेमानी की बरसी के हवाले से भी आप सबकी खिदत में ताज़ियत पेश करते और दुआ गो है कि ख़ुदा वंद मताल दुश्मनान इस्लाम जहाँ कहीं भी हो जो भी मकर रखते हो उनके मकर को उन्हीं की तरफ़ पलटा दे और तमाम तर दुश्मनान इस्लाम को नस्त व नाबूद फरमा दे हमारी गुफ्तु दरस तफ़सर तफ़ीर कुरान मजीद तफ़ी तस्नीम हज़र रायतलमा जवाी अमरिया फ़जल्ला की तफसर तस्नीम के हवाले से हमारी गुफ्तगु जारी थी सुर मबालिक्हम की पाँचवीं आयत याव खब दो वाह क्या, वा क्या नस् खुदा हम बस तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं शैतान अगरचे हर हालत में इंसान को वसवसा कर रहा होता है इंसान को रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नमाज की हालत नमाज की वो कैफियत है कि जिसमें शैतान अपनी तमाम तर क़वतों और ताक़तों को ले आता है ताकि कई इंसान मोमिन इस नमाज में हजूल कलब के साथ न खड़ा हो सके और इंसान के लिए इस नमाज़ में मुजामत ईजाद कर रहा होता है ठीक है इंसान के लिए शैतान दूसरे कामों में भी मुजामत ईजाद कर रहा होता है वस ईजाद कर रहा होता है लेकिन नमाज की वो हालत है जिसमें शैतान तमाम तर क़्वतों और ताक़तों को लेकर आता है ताकि इंसान मोमिन के लिए वो तोज़ो व खुशबू वजूर कल्ब ईजाद ना हो पाए तो हम शैतान के इस भरपूर हमले से बचने के लिए हम क्या करें हमारे लिए क्या रास्ता है क्या राह हल सबसे पहले हमने अपने मबूद को पहचानना होगा और फिर ताकि फिर हम जब अपने माबूद को पहचान गए इबादत की हकीकत को जान सके ताकि कहीं शैतान हमारे लिए बनावटी माबूद हमारे सामने पेश ना कर दे और हम उस बनावटी माबूद की इबादत शुरू ना कर दे और अगर महबूद को पहचानने से कबल इबादत करना शुरू कर दी तो शैतान हमें गलत महबूद की इबादत करवा सकता है और बल्कि यही ही करता है अगर शैतान अपने काफिर और बुतपरस के लिए बुध को महबूद के से पहचान रहा है पहचानवा रहा है तो इंसान मोमिन के लिए जो खुदा को मानता है इस इंसान के लिए जहन्नम की आग से डर और जन्नत के खौ। जन्नत के शौक को मबूद के तौर पर कभी और कभार देता और है और पहचान ताकि उस से गाफिल हो जाए ऐसी इबादत जो इंसान जन्नत के शौक में जहन्नम के खौफ में अंजाम दे ऐसी इबादत इंसान के हिम्मत के पस्ती की निशानी है क्यों क्योंकि वो इंसान है मोमिन जो खुदा को इबादत कर रहा है जन्नत के शौक़ में इबादत कर रहा है जहन्नम के खौफ़ में इबादत कर रहा है जन्नत के शौक़ और जहन्नम के खौफ़ से इबादत करने का ये मतलब है कि उसने लाए अलाही को उसने महसूस नहीं किया लिका अलाही तक नहीं पहुंच पाया और अगर इंसान इबादत गुजार इंसान अपने हदफ़ को अपना टारगेट और फ़ाइनल हदफ जन्नत तक रसाई जन्नत की नहमतों तक रसाई या जहन्नम के अजाब से बचना करार दे और उसके लिए खुदा को खुदा की इबादत को वसीला करार दे और ना कि नो खुदा की इबादत को खुदा को अपना फाइनल और नहायी हदफ करार ना दे उस सूरत में ये इंसान है में जो इबादत कर रहा है उसकी इबादत बातिल होगी क्यों क्योंकि उसके लिए अगर जन्नत तक की रसाई जहन्नम के अजाब से नजात और जहन्म के अजाब से छुटकारा खुदा की इबादत के बग़ैर उसके लिए मुमकिन होता तो खुदा की इबादत के बग़ैर इस काम को का अंजाम दे देता लिहाजा उसकी इबादत बातिल है जबकि आरफ और आबद लिखा इलाही के लिए इबादत करता है न जन्नत के शौक में न जहन्नम के खौफ में आरफ और आबद दुआ को में खुदा की खिदमत में यूँ अर्ज़ करता है الهی صبر تو علا عذابک بر است برو علا فراقک و هبنی تو علا حر نارک فکیفه عن نظر الى کرامتک خدایا تیری عذاب کو تو برداشت کر گا لیکن فراق کو برداشت نہیں کر خدایا آگ کی جلن کو برداشت کر लेकिन तेरे नजर क्रम मुझ पर ना हो यह मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है ये हैफ और आबद मौला अमीर का जुमला कि वो न जन्नत के शौक में न जहन्नम के खौफ में बल्कि वो खुदा को लायक इबादत पाकर खुदा की इबादत कर रहे हैं और मौला का यह जुमला कि लम आबोद रब्बन लम रहा उस रब को जिसने मैंने नहीं देखा बसारत की आंखों से नहीं बसीरत की आंखों से नहीं देखा उसकी इबादत नहीं करना, मौला खुदा की इबादत कर रहे खुदा को लायक इबादत पाकर, खुदा की इबादत कर रहे लिहाजा अगर इबादत गुजार अपनी इबादत का असली हदफ जहन्नम से नजात और जन्नत के खौफ जन्नत के शौक में ना रखे बल्कि खुदा को खुदा की खातिर इबादत करे तो उसकी इबादत उस दर्जे पर पहुंचेगी उस काबूलीत के अला दर्जे पर पहुँच पाएगी अगरचे फीकी एतबार से वो शख्स जो जहन्नम के खौफ से जन्नत के शौक में इबादत कर रहा है उसकी बात दुरुस्त है लेकिन वो मकाम और मंजिलत जो लिखा इलाही की मंजिलत है उस तक वो नहीं पहुँच पाएगा अगरचे अक्सर लोगों के जहन में यही होता है कि उनका असली और बज़ात मबूत और हकीकी मामूत उनके जहन में खुदात मतालही की ज़्यादा होती है लेकिन इसकी वजह से उनकी बात भी दुरुस्त हुआ करती है लेकिन उनके जहन में यह नहीं होती बात कि खुदा से खुदा के सिवा कुछ और मांगना ही गलत और ये हिम्मत में पस्ती की निशानी है कि खुदा से हम खुदा के सिवा कुछ और मांगे खुदा जो आला बेहतरीन चीज है हस्ती है इस पूरी कायनात की उसे छोड़कर खुदा के सिवा कुछ और मांगे रिवायत के जुमला के लादो ला क्या क्या। हम तेरे सिवा किसी और चीज़ का इरादा नहीं करते मा, मासूम फरमा रहे और तेरी भी इबादत भी जो कर रहे वो किसी एवज और बदल मांगने के लिए नहीं कर रहे तुझे लायक इबादत पाकर तेरी इबादत कर रहे ना एक जाहिलों की इबादत जो तुझसे और बदल मांगते हैं ना वो लोग जिनके सामने पर्दे गैबत पड़ा हुआ है तुझे मुशाहिदा नहीं कर पा रहे तुझे नहीं देख पा रहे तुझसे और बदल के वास्ते इबादत कर रहे तेरी अगला पॉइंट जो यहाँ बयान किया जा रहा है वो ये है कि इबादत के भी तीन रुकन है एक है आबद जो शख्स इबादत गुजार है एक है महबूद जिसकी इबादत कर की जा रही है यानी खुदा और तीसरा रुकन है खुद वो इबादी अमल और फेल और इन तीन अरकान में भी सी, तीन रुकनों में भी से भी इबादत का अहम तरीन रुकन महबूद है आब शख्स ने अगर अपने आप को भी देखा इबादत को भी देखा महबूद को भी देखा तो वो तसलीस का शिकार बन चुका है और वो खालिस तोहद तक नहीं पहुंच सका उस मकाम में तोहेद तक उस फना खुदावंदी के मकाम तक नहीं पहुंच सका और खालिस वाहद मुवह, नहीं बन सका लेकिन अगर आबिद ने ख़ुद को देखना छोड़ दिया इबादत को देखना छोड़ दिया बस देखा तो ज़्यादा खुदावंदी को ही देखा तो वो उस खालिस खालस बन जाएगा और उस इबादत के उस अकाम पर फायज़ हो सकेगा इसकी निशानी क्या है कैसे हम भी जान सकें कि हमारी इबादत खालिश तोहहीदी इबादत है न कि तसलीसी इबादत इसकी निशानी यही सूर्य की इस आयत में आप देख रहे हैं कि इयाका के लफ्ज को नाबदो का पर मुकदम करके ई के लफ्ज को नस्त पर मुकदम करके हम ये बयान कर रहे होते कि खुदा हम पहले तुझे देख रहे ई या ईयाका के जरिए हम खुदा ने मतल की जरफ इशारा कर रहे होते कि खुदाया तू है कि मैं तेरी इबादत कर रहा हूं तू ही है जिससे मैं इस्तेमाल मांग रहा हूं मदद मांग रहा हूं सिर्फ तेरी ही जात है कि जिसकी मैं इबादत कर रहा हूं सिर्फ तेरी ही जात है कि जिससे मैं मदद मांग रहा हूं क्योंकि उसकी तो मुकम्मल हिम्मत और कोशिश ये होती है इंसान आबिद की कि वो बस मबूद को ही देखे और इलाही तक पहुंचाए और अगर अपने आप को अपनी इबादत को देख भी रहा है इंसान मोमिन तो खुदावंद मुताल के जेर सरपरस्ती देख रहा है उसके जैर नजर अपनी इबादत को भी देख रहा होता है इसके बाद अगला पॉइंट जो बयान किया जा रहा है वो ये है कि कायन की तमाम तर न खुदावंद मुताल की जानिब से हुआ करती है और हर नेक काम जो खुदा का आवत बजा डाल होता है और उसके बदले उसे इनामा से नवाजा जा रहा होता है दो नमतों के दरम्यान वाक़ हो रहा था एक नेमत उस नेक काम से पहले और दूसरी नेमत उस नेक काम के बाद पहली नेमत यह कि इंसान अपनी जिम्मेदारी को पहचानने जिम्मेदारी को पहचानने की तोफीक हासिल करे और फिर उस नेक काम को बजा लाए दूसरी नेमत क्या दूसरी नेमत जब इंसान अल्लाह का आब्द उस नेक काम को बजा लाता है तो उसके बदले जो इनाम उससे दिया जाता है वो होती है दूसरी नमत पर इस इंसान हर नेक काम के अंजाम देने में हती खुद खुदा की इबादत के दौरान भी खुदा की इन दोनों नेमतों के दरमियान वाक हो रहा है और इन दोनों नेमतें खुदा की जानब से उसे दी जा रही अता हो रही है लिहाजा ये खुदा का अब दर हकीकत इन नेमतों का हकदार न था इंसान हमेशा खुदा की नेमतों में डूबा रहता है और खुदा की नेमतों के दरमियान वाक हो रहा होता है और अगर इन नेमतों को आपस में जुड़ा हुआ नहीं देख रहा और इन नेमतों को एक नेमत के तौर पर नहीं समझा इसकी वजह यह कि इंसान अपने आप को देख रहा है अपने लिए एक हैसियत कायल हो रहा है इंसान मनियत का शिकार हो चुका है और खुदा की एक नेमत, वाहिद नेमत, लामहदूद नेमत के दरमियान अगर कोई चीज फासला बन रही है तो वो हम खुद है हम खुद है जो ये समझ रहे है कि खुदा कभी नेमत दे रहा होता है तो कभी नेमत नहीं दे रहा होता है जबकि खुदावंद मुताल तो हमेशा हमेशा हमें नेमतों से नवाज रहा होता है ये हम हैं जो खुदा की नेमतों के दरमियान हायल बन रहे फासला बन रहे बिल्कुल जिस तरह खालक और मखलूक के दरमियान कोई फासला नहीं सिवाय सिवा मखलूक के रिवायत का जुमला है लई सबई नजन बजाब महजूबन वन खुदा और मखलूक के दरमियान, ख़ालिक और मखलूक के दरमियान कोई हिजाब नहीं हाँ अगर हिजाब है तो वो खुद मखलूक हिजाब बन रही लिहाजा हमने अपने आप को इस खुदा के दरमियान हायल बनने से हटाना होगा अपने आप को देखना छोड़ देना होगा अपनी मनीयत को दरकिनार रखना होगा ताकि हम खुदा का मुशाह कर सके खुदा की नमतों को जो आम ब आम हमें नें लम्हा ब लम्हा हमें नमतें मिल रही है मुशाहिदा कर सके अगर इंसान खुद को देखना छोड़ दे तो वो खुदा की नेमतों को मुशाहिदा कर सकेगा और फिर देख सकेगा कि जहां पर भी वो देखे जहां पर भी वो आंख अपनी दौड़ाए खुदा ही खुदा है हर जगह खुदा के मजाहिर है खुदा के जलवा अफरोज है बस क्योंकि एबार की तोफीक भी लिहाजा इबादत के नाम को मुकदम तशना भी कर रहा है और इस तशना और प्यासे इंसान को चश्मे का अवसर से सहराब भी कर रहा होता है दोनों नमतें इंसान की तशनगी भी खुदा की दिवी नियमत इंसान को सैराब करना भी खुदा की दी हुई है। दुआ, हम नई सजादिया पढ़ते क्या इब्तदा क्या इब्तदा खुदा या नमतें इब्तदा तमाम तर नब्तदा तुझ ही से है और हम हर काम के इब्तदा में तुझ ही हर काम का इब्तदा तुझ ही से है और हम किसी भी काम को बगैर के अंजाम नहीं दे सकते ताकि इनाम के हकदार बन सके खुदा ही है जो हमें तोफी दे रहा होता है काम को अंजाम दे सके अगला पॉइंट जो यहाँ पर बयान किया जा रहा है इस आयत के जेल में वो ये कि खुदा से तकलब का रास्ता इबादत है और इसी वजह से कुरान और रवायात में जब अम्बिया और अमासूमी सलातम के मकाम को गिनवाया जा रहा होता है तो पहला मकाम जो गिनवाया जाता है वो इसी इबादत के हवाले से उनका इबादी मकाम है इबादत के हवाले से मकाम को गिनवाया जा रहा होता है नमाज की दशावत में कबके के रसूल खुदा की रिसालत का हम इकरार करें हम उनकी इबादत और बंदगी के मकाम को जिक्र करते हैं अशहद अन्ना रसूलो क्योंकि इबादत आब्द का खुदा से रता है और रसालत इंसान का दूसरे इंसानों के दरमियान रबता है और इंसान का खुदा से रता अफजल है इंसान का दूसरे इंसानों के दरमियान रबते से लिहाजा ये इबादत का मकाम ज़्यादा अजीम मकाम है ज़्यादा अला मकाम है अफजल मकाम है इस रसालत के मकाम से लिहाजा रसूल की बंदगी भी उनकी रसालत पर फसीलत रखती है इसी तरह दूसरे अम्बिया के भी कम उनके इबादत पर असरअंदाज हुआ करते उनकी इबादत का समन हुआ करते हैं। और जनाब रसूल खुदा के ये मकाम आला मकाम के अहद के मकाम पर फायस है लेकिन हाँ आज़ादारा ने इन्हीं आजादारसूल खुदा की अकलौती बेटी फातिमे जहरा सलाम्लासालत को अदा करते उनसे मबदत किया जाता उन पर वो मसायब ढाए गए कि जुमला फ़ातिम जहरा सलम काम यही अयाम होंगे कि शहजादी कमजोर हो गई थी जख्म भी बढ़ गया था असा हाथ में लेकर मातम करने जाया करती थी फिर वो वक्त आ गया कि फ़ातिम जहरा इतनी कमजोर हो गई कि असा के सहारे भी हजरे से बाहर ना आ शहादत से पहले आखिरी चंद दिन हु में चल लेती थी लेकिन फिर वो वक्त आ गया कि अब चलना भी मुश्किल हो गया बिस्तर पर आई वक्त नमाज नमाज के वक्त एक हाथ दीवार पर रख कर सहारा लेकर खड़ी होती है और मुसल्ले पर जाकर नमाज पढ़ती है फिर शहादत की रात आ गई बिस्तर से मुसल्ले पर भी नहीं जा सकती थी अब दीवार पर भी हाथ रख कर चला नहीं जा रहा था मगरब रिशा की नमाज फातम जहरा ने मुसले पर बैठ कर पढ़ी लेकिन नमाज तर्क न की और यह अहलबैत की सीरत कि जब जनाब सज्जा सैद सज्जाद वसलाम ने जैनब कुबड़ा को देखा कि वो जिंदा शाम में बैठ कर नमाज शब अदा कर रही है यकीन नहीं आया पुपी से पूछा पुपी जा पोपी अम्मा आपने करबला की शाम में गरीबा की नमाज शब भी खड़े होकर पढ़ी थी ये कौन सा दिन आ गया कि आप नमाज शब बैठ कर पढ़ रही है लेकिन हाँ आजाद जहरा तो की भी सरदार है आप ये अंदाजा लगाइए कि फाते में जहरा पर कौन से मसाहब ढाए गए ऐसे मसाहब ढाए गए पड़ते तो, तो तारीख रातों में बदल जाती ऐसे मसाहब ढाए गए कि मुस्तैब नमाज तो नहीं वातब नमाज फातिमा पेट कर पड़ रही अलामीन वसयामलम बार हमारी इस कलील से इबादत को कबूल फ़रमा हमारे गुरहान सगी वक़बीरा को माफ़ फरमा दें हमारे वालदे के गुनाओं को माफ़ फरमा दे इमाम ज़मान जल्ला फलज व शरीफ के जूर में ताजील फरमा और हम सब को उनके आवा अनुसार में शामिल फरमा कर जाम शहादत नसीब फरमा वफ़ल्लकम वालकम वरह वबरकू